एक ऐसे कलाकार जिनकी एक पेंटिंग की कीमत 2935 करोड़ रुपए है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश राही एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो द विंची के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन और उनकी पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर लियोनार्डो द विंची की महानता को अगर समझना है तो ये समझिए कि किसी एक इंसान के अंदर कितनी विशेषताएं हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या 4 हो सकता है। वो क्रिकेट, सिंगिंग और फुटबॉल तीनों चीज़ अच्छा खेलता हो सकता है। वो पेंटिंग, क्रिकेट और सिंगिंग तीनों अच्छा करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4। लेकिन विंची की महानता एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा थी। रेनेसा टाइम पीरियड के ये एक महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ और इंजीनियर तथा वैज्ञानिक भी थे। इन सब के अलावा इन्हें शारीरिक संरचना और खगोल शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। इतने ढेर सारे गुण इस एक लौते इंसान के अंदर विद्यमान थे। सन 1452 ईस्वी में लियोनार्डो द विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक गाँव में हुआ। इस गाँव के नाम पर इनके कुल का नाम पड़ा। कहा जाता है कि ये एक अवैध पुत्र थे। शारीरिक सुंदरता तथा स्फूर्ति के साथ साथ इनमें स्वभाव की मनमोहकता और एक अच्छे दिमाग वाले बुद्धिमान व्यक्ति थे। विंची ने अपने छोटे उम्र में ही कई चीज़ों को सीखना प्रारंभ किया, जिसमें संगीत, चित्रकारी और मूर्तिकारी सबसे मुख्य थे। विंची के पिता इन्हें प्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकार और स्वर्णकार आंद्रेया दिल वेराक्यो के पास ले गए। इनके पास रह के विंची ने काफ़ी कामों को सीखा। फिर उसके बाद वो मिलान के रईस लुडोविको फ्रांसिसा की सेवा में चले गए, जहां इनके विविध कार्यों में सैनिक इंजीनियरिंग तथा दरबार के भव्य समारोहों के संगठन में भी सम्मिलित थे। यहां रहते हुए इन्होंने 2 महान कलाकृतियां, लुडोविको के पिता की घुड़सवार मूर्ति तथा द लास्ट सपर नामक पेंटिंग चित्रित की। दोस्तों, विंची की ये पेंटिंग दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक है। लुडोविको के पतन के बाद सन 1499 ईस्वी में विंची ने मिलान छोड़कर फ्लोरेंस वापस आने का फैसला किया और वो वापस चले आए, जहां इन्होंने अन्य कलाकृतियों के अलावा मोनालिसा नामक पेंटिंग पेंट किया। मोनालिसा पेंटिंग इनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक है। सन 1508 में ये फिर मिलान वापस आकर वहाँ के फ्रांसीसी शासक के अधीन चित्रकारी, इंजीनियरिंग तथा दरबारी समारोहों के सजावट में आयोजनों की देखभाल का अपना पुराना काम करते रहे। सन 1513 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक रोम में रहने के बाद इन्हें फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम अपने देश ले गए और अब्बाज के कोर्ट में इनके रहने का प्रबंध कर दिया, और यहीं पर सन 1519 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। द विंची के तमाम चित्रों में सिर्फ कुछ ही वेरीफाइड चित्र बच पाए हैं। मोनालिसा, सल्वाडोर मुंडी, द लास्ट सफर के अलावा इनकी पेंटिंग्स की अगर बात करें तो कुछ 14 प्रमाणिक चित्र बच पाए हैं, जो कि यूरोप के अलग अलग देशों में सुरक्षित रखे गए हैं। और इन सभी पेंटिंग्स में अगर एक एक पेंटिंग की कीमत की बात करें तो इन एक पेंटिंग की कीमत का सिर्फ अनुमान लगाना संभव नहीं है। अगर अनुमान लगाना है तो कुछ इस तरह से समझिए कि इनकी 500 साल पुरानी पेंटिंग सल्वाडोर मुंडी 2017 में नीलाम हुई, जिसकी कीमत है 2935 करोड़ रुपए। इस तरह से दोस्तों, ये पूरी दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक चित्रकार के अलावा एक मूर्तिकार भी थे, लेकिन इनकी मूर्तियां वर्तमान समय में नहीं पाई जाती। इनकी जितनी भी मूर्तियां थी वो अब लुप्त हो चुकी हैं, ऐसे समझ लीजिए कि खो गई हैं। फिर भी इनकी फ्लोरेंस की एक बैप्टिस्ट्री गिरजाघर के एक भाग के द्वार पर 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। कहा जाता है कि वो इन्हीं के संरक्षण में बनाई गई थी। और भी ढेर सारी मूर्तियां हैं जिनके विषय में भी इसी तरह का कुछ विचार है, इसीलिए निश्चित रूप से ये कहा नहीं जा सकता कि विंची द्वारा बनाई गई मूर्ति यही है। ठीक इसी तरह से दोस्तों, इनके बारे में ढेर सारे ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक रहस्य बन के रह गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये चित्रकारी, वास्तुकला, शारीरिक संरचना, ज्योतिष और खगोल शास्त्र पर एक अलग अलग ग्रंथ लिखना चाहते थे, पर यह काम पूरा नहीं हो पाया। इन सभी विषयों पर इनके अधूरे लेख वर्तमान समय में प्राप्त हैं।
इन्होंने अनेक विषयों पे अनेक लेख लिखे थे, इतने सारे कि इस एक छोटे से वीडियो में मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा। ये इतने बड़े जीनियस या विद्वान थे कि जो वैज्ञानिक खोज 19वीं सदी में हुए, उस 19वीं सदी से 400 साल पहले 15वीं सदी में लियोनार्डो दा विंची उन विषयों पर अपनी खोज कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि ये अपनी हर एक पेंटिंग में कोई ना कोई बड़ा रहस्य छोड़ के गए हुए हैं। इन सभी पेंटिंग्स पे अभी तक रिसर्च जारी है। ये रही इस महान कलाकार की कुछ महान कलाकृतियां। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे महान चित्रकार और दुनिया के सबसे बड़े जीनियस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।